नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं आज के मार्केट का हाल, और आज आपको बताएंगे कौन से स्टॉक में किस किस तरीके की मूवमेंट हुई। इसके साथ साथ जो स्टॉक हमने आपको आज टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करे थे उनमें आज क्या देखने को मिला, और आज मैं आपको कल के दिन के भी कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिनमें आप ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली आज की वीडियो में कवर करूंगा अगले दिन के बारे में कि आप नेक्स्ट डे के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज करें, कि किस जगह पे आपको बाय बनाए, किस जगह स्टॉक में सेल बनाए, कि जिस तरीके से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो। तो ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो आगे मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। अब मैं दोस्तों यहां पे आपको लेकर जाऊंगा पहले टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि डेली बेसिस पे जब भी कोई स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है तो सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो लर्निंग के साथ साथ अपनी अर्निंग भी बना सके। तो यहां पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूं और यहीं पे आपको समझाऊंगा। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट में मॉर्निंग में ही बहुत बेहतरीन पैटर्न बना था, जिसको बोलते हैं दोस्तों हैमर। के बाद क्या हुआ इसके बारे में दोस्तों मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं इसके चार्ट पे, और चार्ट से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में एक पैटर्न मिला था जिसको बोलते हैं हैमर, यहाँ पे लिखा हुआ हैमर, और यहाँ पे ये जो हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश थी, और जब 310.90 रुपए का रेट था दोस्तों, 311 रुपए के आसपास का रेट था, तब भी हमने आपको बता दिया था कि भैया यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अपनी पोजीशन बाय बना सकते हैं। मॉर्निंग में ही अदानी पोर्ट्स में हमने बोला था फोरवर्डली चार्ट का पैटर्न था कि यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय बना के चले। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आज क्या हुआ। तो मैं क्या करता हूँ इसके चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहीं पे ही आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं इसके चार्ट पे जाते हैं जल्दी से और चार्ट पे ही हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदानी पोर्ट्स का चार्ट आपके सामने लगा दिया, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं फोरवर्डली का चार्ट लगा देता हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न बना था दोस्तों वो फोरवर्डली के चार्ट पे ही बना था। तो यहाँ पे क्या करते हैं मैं जल्दी से आपको इस चार्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ कि पैटर्न कहाँ पे बना था और उसके बाद क्या देखने को मिला। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि ये अदानी पोर्ट का चार्ट है, तो यहाँ से देखेंगे स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे 298 का इसमें क्या हुआ लो बना। अब लो बनने के बाद क्या हुआ, ये एक हैमर बना था। अब हैमर बनने का रीजन क्या था दोस्तों, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हैमर यहीं पे क्यों बना, उसके बारे में आपको बताता हूं कि ये जो एरिया है यहां से यहां पे जितने भी बायर हैं वो क्या हो रहे थे, यहां पे ट्रैप हो रहे थे, क्योंकि अदानी पोर्ट में बाइंग न्यूज चल रही थी। और जब ये हैमर बना तो हैमर बेसिकली क्या होता है, इन सबकी जो बायर है इनकी सबकी पोजीशन 298 यानी कि 300 रुपए के नीचे उनकी पोजीशन क्या हुई थी, स्क्वायर ऑफ हुई थी। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं और आपने कोई स्टॉक लिया और आपने क्या करा उस पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और अगर वो जो स्टॉक है आपके अगेंस्ट चलता है, यानी कि अगर आपने कोई स्टॉक 350 रुपए पे लिया है और वो 350 रुपए से स्टॉक 320 रुपए आ जाता है, तो क्या होता है कि वहां पे या तो आप अपनी पोजीशन को एवरेज करते हैं अब, या फिर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ज्यादातर लोग ये करते हैं, वो सोचते हैं कभी ना कभी तो स्टॉक ऊपर रहेगा, बट होता क्या कि स्टॉक जब ज्यादा गिर जाता है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल जो था अदानी पोर्ट का वो 300 रुपए के आसपास का था, क्योंकि 300 रुपए के नीचे लोग ये बोल रहे थे कि अदानी पोर्ट और नीचे जा सकता है, क्योंकि 298 का लो लग गया था। 300 रुपए का जो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे कटा था। और वैसे भी आपको पता है कि जो हैमर पैटर्न होता है वो बेसिकली क्या करता है, पैनिक क्रिएट करके पोजीशन क्रिएट करता है, यानी कि प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे एकदम से नीचे जाएगा और एकदम से नीचे जाके पोजीशन स्क्वायर ऑफ करा के वापस से ऊपर आ जाएगा। ये हैमर की साइकोलॉजी है, और यहीं पे हमें अदानी बोर्ड में देखने को मिला था। नेक्स्ट कैंडल क्या थी दोस्तों, बुलिश थी, और जैसे इसका हाई कटा था 311 रुपए पे हमने बोला था बाइंग करके चली, और इसके बाद जो इसका हाई लगा है वो 319 रुपए के आसपास का लगा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने भी अदानी बोर्ड में ट्रेड बना के अच्छे पैसे कमाए होंगे। तो यहां पे अब मैं मूव करता हूं अगले स्टॉक के बारे में जो मैंने आपको रेकमेंड किया था अपने टेलीग्राम पब्लिक चैनल पे। आपको पता है मेरे दो चैनल है, एक मेरा पब्लिक चैनल है, दूसरा मेरा प्राइवेट चैनल है। तो आप भी पब्लिक चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है और लिखना है चार्ट एनालिसिस, ये लोगो हमारी पहचान है दोस्तों यहाँ पे जाके। तो जल्दी से जाके दोस्तों टेलीग्राम पे जाइए और यहाँ पे इसको ज्वाइन जरूर करिए, जिससे आपकी लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग हो। दूसरा जो स्टॉक हमने आपको बताया था वो था कैनरा बैंक का। अब कैनरा बैंक में बहुत अच्छा पैटर्न बना था, जिसको बोलते हैं दोस्तों डबल बॉटम प्लस हैमर। दो पैटर्न देखने को मिले थे, डबल बॉटम भी मिला था और हैमर भी देखने को मिला था, और 310.50 रुपए के आसपास बोला था कि आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बाइंग में बना सकते हैं। बट दोस्तों हुआ क्या कि जो निफ्टी है वो इतनी पॉजिटिव होने के बावजूद भी
कैनरा बैंक वहीं पे ही खड़ा रहा। कई बार ऐसा हो जाता है, मुझे आज आशा थी कि कैनरा बैंक आज अच्छा खासा मूव कर सकता है, बट तो ये वहीं पे ही दोस्तों इसने क्लोज करा जहाँ पे हमने आपको बाइंग बताया था। तो खैर ये चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगला जो स्टॉक है दोस्तों मैं आपको बताया था वो था डार्क क्लाउड कवर बना था CDSL में। यहाँ पे देखते हैं CDSL में डार्क क्लाउड कवर बना था, बहुत अच्छा पैटर्न बना था, बट दोस्तों क्या हुआ इसमें स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे कट गया था। अगर मैं CDSL के चार्ट पे जाता हूँ तो CDSL के चार्ट पे आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके का पैटर्न बना था यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएंगे CDSL के चार्ट पे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एवरली के चार्ट पे पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डार्क क्राउड कवर। ये देखिए दोस्तों डार्क क्राउड कवर बना था। डार्क क्राउड कवर में यहाँ पे सेलिंग एग्जीक्यूट हुई थी, बट क्या हुआ मार्केट में वॉल्यूम आया और यहाँ पे क्या हुआ स्टॉप लॉस कट गया। वैसे यहाँ पे एक और पैटर्न बना है CDSL में, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगेन इसमें डार्क क्राउड कवर पैटर्न बन चुका है और इसकी भी सेलिंग एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे CDSL को अपनी रडार में रख सकते हैं क्योंकि डबल पैटर्न जब भी बनते हैं, जब भी स्टॉप लॉस कटता है और जिस कैंडल पे स्टॉप लॉस कटता है और वहाँ पे अगर दोबारा से कैंडल बन जाती है, यानी कि दोबारा से कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बन जाता है, तो उसमें टारगेट आने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने आपको CDSL बताया था। फिर मैं आपको लेके जाता हूँ अब अपने प्राइवेट चैनल पे, क्योंकि प्राइवेट चैनल पे सबसे ज़्यादा हम मैसेजेस देते हैं। तो यहाँ पे अगला जो स्टॉक हमने आपको रिकमेंड करा था वो था लुपिन। लुपिन में अगर हम आपको बताया तो बहुत अच्छा पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, हमने लिखा था और 843.65 पे बोला था कि अपनी पोजीशन बाइंग में बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ लुपिन के चार्ट पे जाता हूँ और चार्ट पे ही आपको समझा देता हूँ। तो ये लुपिन का चार्ट है और चार्ट पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने आपको लुपिन बोला था बाइंग करने के लिए, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जब हमने आपको बोला था लुपिन को बाय करने के लिए कुछ 843 के आसपास, तो उसके बाद दोस्तों इसने हाई कितना बनाया है 852 रुपए के आसपास का। तो वहां से दोस्तों 8-9 रुपए की तेजी इसमें आ गई थी। हालांकि ये क्लोज हुआ 840 के आसपास, बट इसका जो 1:1 का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, यानी कि 3-4 रुपए से इसका टारगेट रह गया। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि कल भी अगर ये स्टॉक जो है 842 के आसपास चलता है तो वहां पे आप इसको बाइंग बना सकते हैं। वैसे अगर कोई बाइंग या सेलिंग होगी इसमें तो कल मैं अपने को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्टॉक था वो लुपिन का स्टॉक था, यहाँ पे लिख देता हूँ लुपिन, और बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं इसके दूसरे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसके डेली के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो डेली पे भी कोई खास पैटर्न नहीं बना और 4 आवर्ली पे भी कुछ खास पैटर्न नहीं मिला। जो पैटर्न बना था वो सिर्फ आवर्ली पे बना था। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को चेक करना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, बट वो वहाँ पे आवर्ली का या फिर 4 आवर्ली का चार्ट नहीं देखते। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको एक ओवरऑल पता चल जाता है कि स्टॉक कहाँ तक मूव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक स्टॉक है उसमें डेली पे कोई पैटर्न बना हुआ है और उसमें बुलिश पैटर्न बना है तो आपको पता है कि आने वाले टाइम पे ये स्टॉक बुलिश है। बट वहीं पे अगर 30 मिनट में उस स्टॉक में अगर सेलिंग का पैटर्न बन जाता है, सेल आपको करना है इंट्राडे के लिए, बट आपको ये सोच कर रखना कि भैया आने वाले टाइम पे ये स्टॉक बुलिश है, तो अगर सेल करेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, छोटा सा प्रॉफिट लेके वहां से एग्जिट हो सकते हैं, बट ओवरऑल वो पोजीशन क्या है बुलिश है। इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे मैं आपको अगले स्टॉक के बारे में आपको बताता हूं। वैसे हमने लुपिन बताया था, इसके अलावा बिलाल पैथ लैब में बताया था। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे मैं तो मैसेजेस करता हूं अपने प्राइवेट चैनल में, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं वो भी मैसेजेस करते हैं। 3-4 स्टूडेंट्स को मैंने क्या करा एडमिन बनाया हुआ है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और जो काफ़ी मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ वो मुझे काफ़ी पर्सनली चार्ट भेजते थे, तो मैंने क्या करा उनको भी एडमिन बना दिया। तो मेरे साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने चांस दिया है अपने प्राइवेट ग्रुप में कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट जो है सेंड करें। तो यहाँ पे किसी ने लाल पैथ लैब का भेजा था स्टूडेंट ने और उसका टारगेट आया था भारत फोर्थ में SL कटा था। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने यहाँ पे भेजा था एक स्टॉक और था दोस्तों यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का, उसमें टारगेट आया था कहता था। दोस्तों यहाँ पे आज का जो मार्केट था वैसे बुलिश था क्योंकि हमने आज मॉर्निंग में अदानी पोर्ट, लुपिन, कैनरा बैंक ये सारे स्टॉक आपको बता दिया था कि बाइंग करके चलिए। तो आज हमें लग रहा था कि मार्केट आज तेज है, एक कैनरा बैंक हमारा रह गया था, बाकी लुपिन में भी टारगेट आ गया था ऑलमोस्ट और अदानी पोर्ट्स में भी अच्छा खासे पैसे मिले थे इसमें, और इसके साथ साथ 2-3 स्टॉक्स और थे जो हमने आपको बताया थे। तो 1-2 में SL कटे थे, बाकी में टारगेट आए थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो आप भी मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, एक ऐसे लेवल का एनालिसिस जो बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेस्ड पे हो, जिसमें प्राइस एक्शन साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, इसके साथ साथ दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलएलबी थ्योरी, गैप्स थ्योरी, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने कोर्स में कराई हुई है, जिसमें आपको 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स लाइफ टाइम के लिए मिलता है। दोस्तों आप जल्दी से जाके जरूर मेरा ये कोर्स परचेज करिए, जो मेरा खुद का 12 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतना टाइम मार्केट में काम किया है, जिसमें मैंने मुंबई में जॉब करी है, हैदराबाद में भी करी है, इसके साथ साथ मैं अहमदाबाद, दिल्ली, जितनी जगह मैंने काम कराया है, कितने लोगों के साथ मैंने काम किए हैं, कितने लोगों से मैंने कुछ सीखा है,
तो वही चीजें जो है, मेरा जो 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो मेरा पूरी जिंदगी का उतार चढ़ाव रहा है टेक्निकल एनालिसिस के साथ, वो सब कुछ उसमें मैंने सिखाया है दोस्तों। और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 70-80% की हो जाएगी, बट 2-3 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छा आपको दोस्तों रिजल्ट है आने वाले टाइम पे जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप ये कोर्स जरूर करेंगे अगर आप भी अपनी एक्यूरेसी 70-80% की करना चाहते हैं। अब बात करता हूँ सपोर्ट की, सपोर्ट क्या दे रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरे से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा प्राइवेट, वो भी आपको दूंगा। और संडे के वेबिनार तो मैं आपको देता ही हूँ, हर संडे हम वेबिनार करते हैं जिसमें जो भी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो हम वहाँ पे क्लियर करते हैं। लाइव रहता है हमारा वेबिनार जो कि हर संडे होता है। तो अगर आप भी संडे के वेबिनार लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप जरूर मेरा ये कोर्स परचेज करें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अब बात करते हैं अगले दिन के बारे में, कि अगले दिन की किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे जाता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, जिसमें मैंने आपको बोला था कि निफ्टी क्या करेगा, अपना लाइफ टाइम हाई को टच करेगा। और लाइफ टाइम हाई इसका कितना है दोस्तों, यहाँ पे बोलना चाहूंगा 12,418 रुपए का स्पॉट मार्केट में। तो निफ्टी अभी वहां पे जा रहा है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि फालतू की सेलिंग मत करिएगा, अगर कोई स्टॉक में पैटर्न बनता है तो सेल करिएगा। मैं सोचेगा कि स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ गया अब तो कहीं ना कहीं गिरेगा और यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, ये गलती कभी मत करना। और गलती से भी यहाँ पे पुटे मत खरीदना, ठीक है। अगर एक दिन मार्केट गिर जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मार्केट गिरेगा। मार्केट तेज है, मार्केट बुलिश है, मार्केट तेज जाएगा। जब कोई पैटर्न बनेगा तब आपको ट्रेड करना है, वैसे आपको काम नहीं करना, अपॉर्चुनिस्ट की तरह काम करना है आपको। तो निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है। अगर आपने थोड़ा रिस्क लेना भी है तो दोस्तों राइटिंग करके काम कर सकते हैं, थोड़ा राइट करके काम करिए, ऑप्शन राइट करिए, अच्छा खासा पैसा आपको बन सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है, सर्विसेज बहुत अच्छी है उस ब्रोकर की, और अगर आप मेरा संडे का वेबिनार भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके जल्दी से आप एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और संडे के वेबिनार फ्री पाइए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।